इंसाफ के लिए मृतक की लाश चौक में रखकर किया चक्का जाम। सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। गुरदासपुर के हलका डेरा बाबा नानक के गांव पड्डे में अकाली समर्थक के हुए कत्ल के मामले में इंसाफ ना मिलता देख पीड़ित पारिवारिक सदस्यों के द्वारा मृतक की लाश बटाला के गांधी चौक में रखकर चक्का जाम व रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर अकाली दल यूथ नेता सुखविंदर सिंह लंगा की अगुवाई में प्रदर्शनकारी पीड़ित परिवार ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीड़ित पारिवारिक सदस्यों का कहना था कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे और जल्द गिरफ्तार करे। वहीं पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठे अकाली दल के यूथ नेता सुखविंदर सिंह लंगा ने बताया कि मृतक अकाली दल से संबंध रखता था और पंचायती चुनाव को लेकर चली आ रही रंजिश के चलते बीते कल कांग्रेस पार्टी के लोगों ने रसपाल सिंह पर रिवाल्वर से फायरिंग करते हुए हमला कर दिया, जिस दौरान गोली लगने से रसपाल की मौके पर मौत हो गई। वहीं सुखविंदर लंगा ने आरोप लगाते हुए कांग्रेसी मंत्री पर शेक के दौरान नौजवान का कत्ल किया गया। अब उसी सियासी दबाव के चलते पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं दिया जा रहा। थाने में मौके पर पहुंचे बटाला पुलिस के डीएसपी प्रहलाद द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना उठा लिया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीएसपी प्रहलाद ने जानकारी देते हुए कहा जिन्हां बंदियां ते परचा दर्ज होया उन्हां चो कोई एक बंदा जिहड़ा इत्थे आ के गुरु डेरा बाबा नानक होस्पिटल तो रैफर होकर इत्थे आया, इन्हां ने एडमिट किया। इन्हां नूं पता लगा कि वह साडे ते कोई कार्रवाई ना करा देना, इस करके इन्हां ने धरना मारिया सी डेड बॉडी ला के। मैं SMO साहब नाल भी गल की आ, वह कहिंदे असीं स्पैशल जिहड़ा पावे बोर्ड बना पावे, असीं जिहड़ा सर्जन साढ़े अगले थोड़े जे एनगेज ने, एक बाहर गया एक इत्थे आ, वह करके असलीयत करांगे। कोई गलत कार्रवाई इन्हां दे खिलाफ झूठी नहीं होएगी, ये उन्होंने विश्वास दा के ते वो अपनी डेड बॉडी चुके ते लगे। गिरफ्तार जिहड़ी आ जो मामला किसी वावे अगे पिछे दे बंदे हुंदे ही आ, रेड हो रहे ने, बंदे फड़ने, ये जिहड़ा बंदा इत्थे आ इहदे ते असीं अपनी गार्ड लाती आ, ये साडी कस्टडी च आ गया, ये जो डिस्चार्ज होगा रिजस्ट कर लेंगे। पोतरा एक ओदा मुंडा इन्होंने साडे वीर नूं मारता, नाल शीता शीत सुरजीत सिंह शीता ओदे दो मुंडे नाल तीन एक बाजा, मैनूं नावां दा पूरा नहीं पता। ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਗਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਫਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ 'ਤੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਫਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰਫਲਾ ਚਲਾਤੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਫੱਟਰ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਉਲਟਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਡੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ। ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਚੇ ਤਾਇਓ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, 40-50 ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਾਂ। ਇਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਇਹ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਆ, ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਕੇ ਘੱਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੌਂਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੌਂਦ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਸੇ ਮੁਨੀਰਾ ਸਲਾਮ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।